बजाज ऑटो ने भारत में प्लेटिना 100 के इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट को डिस्क ब्रेक के साथ लॉन्च कर दिया है। प्लेटिना 100 के इस नए डिस्क ब्रेक वेरिएंट को 60,698 रुपीज में लॉन्च किया गया है। प्लेटिना 100 बाइक का यह नया डिस्क ब्रेक वेरिएंट डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो चुका है और इसे बजाज ऑटो की डीलरशिप से खरीदा जा सकता है। प्लेटिना 100 बाइक भारत में ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ भी मौजूद है, जिसकी कीमत 58,477 रुपीज है। वहीं ये बाइक किक स्टार्ट के साथ भी आती है, जिसकी कीमत 50,464 रुपीज है। बजाज प्लेटिना को भारत में खास तौर पर इसके शानदार माइलेज की वजह से जाना जाता है। बजाज ऑटो ने यह दावा किया था कि प्लेटिना बाइक 90 km/h का माइलेज दे सकती है, लेकिन असल जिंदगी में ये बाइक 70-80 km/h का माइलेज देती है, जो बिल्कुल भी कम नहीं है। प्लेटिना 100 बाइक का यह नया डिस्क ब्रेक वेरिएंट फ्रंट में 240 mm के डिस्क ब्रेक के साथ आता है और इसका वजन 1.5 kg इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा है। प्लेटिना 100 बाइक में मिलने वाला इंजन 102 cc का है, जो कि 7.7 bhp का पावर 8.34 Nm के टॉर्क पर प्रोड्यूस करता है। ये पावर ज्यादा तो नहीं है, लेकिन डेली लाइफ के लिए ये पावर काफी बेहतरीन है। 102 cc के इस इंजन में 4-speed गियर बॉक्स दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये इंजन इस बाइक को 90 km/h तक पुल कर सकता है। ज्यादा माइलेज के साथ साथ प्लेटिना बाइक ज्यादा कंफर्ट और अपनी लंबी सीट के लिए भी जानी जाती है। बेहतरीन कंफर्ट के लिए बजाज ऑटो ने इस बाइक में नाइट्रो सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है। 2006 में बजाज ऑटो ने इस बाइक को भारत में लॉन्च किया था और तब से इस बाइक ने भारत में अपनी पहचान एक इकोनॉमिकल बाइक होने के रूप में बनाई है। कम कीमत, कम मेंटेनेंस और ज्यादा माइलेज की वजह से इस बाइक को चलाने में कम खर्च प्लेटिना बाइक को बजाज ऑटो की सेकंड बेस्ट सेलिंग बाइक बनाते हैं। भारत में इस बाइक का मुकाबला हीरो HF डीलक्स और TVS स्पोर्ट बाइक से होता है। तो दोस्तों, नई प्लेटिना बाइक के बारे में अपने थॉट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। We'll be right back.